इस क्वेश्चन में अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन. ओके, सो रेडियस जो टॉप का है वो 5 सेंटीमीटर है और ये ऊपर से ओपन है. ओके, और इन्वर्टेड कोन बोले तो कोन को उल्टा कर दो आप, इन्वर्टेड मतलब उल्टा. ओके, सो ये कोन है. अब इस कोन में पानी भरा गया है, कोई भी सामान ले लो, पानी ले लो या कोई भी लिक्विड ले लो, भरा गया है. अब इसमें बोला जा रहा है कि छोटे छोटे शॉट्स हैं जो कंचे होते हैं, गोलियां वैसे स्फीयर की तरह, उसको जब इसमें डाला जा रहा है तो पानी बाहर आ रहा है, और जो पानी बाहर आ रहा है वो टोटल पानी का 1/4 है ना. जो फ्लूड बाहर आ रहा है वो 1/4 है. तो पहले हम देख लेते हैं कि कितना पानी आ रहा है बाहर, क्योंकि जितना पानी बाहर आएगा उतना ही शॉट्स का क्या होगा, सारे शॉट्स का वॉल्यूम होगा. क्योंकि जिस अमाउंट में आएगा, अमाउंट वॉल्यूम में होता है, तो जिस अमाउंट में वाटर बाहर आएगा वो अमाउंट इस शॉट्स के डाले गए टोटल अमाउंट के इक्वल होगा, है ना. तो बताया जा रहा है कि 1/4 आ रहा है, तो इसका मतलब हम पहले क्या करें, निकाल लें कि 1/4 कितना है जो बाहर डिस्प्लेड वाटर निकाल लें. तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं कंप्लीट का. सो कंप्लीट का, सो दिस इज द कोन. क्या है ये कोन है एक, है ना. सो कोन का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/3 πr² और एच. सो 1/3 इंटू, अब पाई आर स्क्वायर एच हम करेंगे. ओके, सो पाई की वैल्यू रखना है तो आप रख लीजिए या रहने दीजिए तो रहने देते हैं ऐसे ही. और आर की वैल्यू क्या है, सो आर इज 5. सो 5 इंटू 5 और 8 हाइट हो गया अपना. सो ये हो गया. अब इसको हम निकालेंगे तो 5 × 5 = 25, है ना. और 8, सो 25 × 8/3, लाओ पाई की वैल्यू रख लो आप, 22/7. तो 25 × 8 = 200 एंड 200 से जब 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4400. और नीचे 7 × 3 = 21. तो ये आपका टोटल वॉल्यूम हो गया इन्वर्टेड कोन का. अब क्या करना है आपको, तो आपको डिस्प्लेड वाटर का वॉल्यूम निकालना है, है ना. सो डिस्प्लेड वाटर, है ना. सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसका 1/4 है इसके टोटल वॉल्यूम के. तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना आया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है. सो इसका हो जाएगा 4 × 4 = 0 0 21 × 1/4. कैंसिल करो, कितना हो जाएगा ये आपका, 4 × 4 = 4 एंड दिस इज द 1100/21, करेक्ट. सो 1100/21 ये आ गया डिस्प्लेड वाटर. अब शॉर्ट्स का हम क्या करते हैं, शॉर्ट्स हमारा स्फीयर है, कंचे जो होते हैं, तो उसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे सो स्फीयर का वॉल्यूम लगेगा, तो 4/3 πr³, यही होता है फॉर्मूला. चलिए, सो 4/3 π की वैल्यू वहां भी रखे तो यहां भी रख लीजिए. एंड आर क्यूब, तो आर कितना है, तो 5/10, 0.5 है ना, तो 0.10 से हट जाएगा. और इसको 3 times लिखेंगे, करेक्ट. अब देखो क्या कर सकते हो आप इसमें. सो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, है ना. सो 2 × 2 = 4 और 4 से 4 कैंसिल, और 2 से ये 11 कैंसिल, ये आ गया 11/21, 3 × 7 = 21, है ना. ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया शॉर्ट्स का. ये एक शॉर्ट्स का है, एक स्पेयर का है. अब देखो कंप्लीटली वॉल्यूम ये है स्पेयर द्वारा डिस्प्लेड वाटर का, जो स्पेयर डाला गया इसमें और डिस्प्ले हुआ वाटर, तो उसका जो अमाउंट है वो कितना आया, 1100/21. अब कितने शॉर्ट्स है ये बताने के लिए टोटल डिस्प्लेड वाटर डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, एक स्पेयर से. सो डिवाइडेड 11/21, है ना. अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, सो 1100/21 × 21/1100, 11, सो 11 से ये 100 times में और 21 21,
सो 100 शॉट्स आए हमारे, कितने 100 शॉट्स, इज इट क्लियर? चलिए नोट करिए।